दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल गुम्मी किसी के प्यार में सई देगी विराट को तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अब भाई सई विराट की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और पत्रलेखा की कही हुई बातों का उस पर असर हो जाता है। तो दूसरी तरफ एक विधवा की एंट्री सई के दिल और दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर देता है, जिससे कि सई काफी परेशान हो जाती है। तो पत्रलेखा जो कि उसने कहा है कि सई संभल के, क्योंकि अब तुम्हारी हालत वही हो गई है जो मेरी थी, तो क्या अब तुम क्या करोगी, अपने लिए हक के लिए लड़ोगी या फिर विराट के लिए लड़ोगी। तो भाई यहाँ पर सई ने तो पहले ही सोच रखा था कि वो इस घर को और विराट को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, लेकिन जब से इन दोनों की दोस्ती हुई थी वो विराट से प्यार करने लगी थी और कहीं ना कहीं वो उसे भी लगने लगा था कि विराट उसे प्यार करता है। लेकिन विराट की बेरुखी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो वही विराट कुछ क्लियर करे या फिर इस विधवा को जिस तरह से उसने लेकर आता है घर पर और उसकी जिंदगी में, सई को बहुत ही बुरा लगता है और उसके पूरी जिंदगी और शादी पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। इसके बाद में सई इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और सोच लेती है कि उसे अपने आबा का ही सपना पूरा करना है और उसे डॉक्टर बन के दिखाना है। अब वो विराट के साथ में अपनी जिंदगी बिल्कुल नहीं बिता सकती और इसी के साथ सई बहुत बड़ा फैसला लेगी और विराट को तगड़ा झटका भी देगी। सई के हजारों सवाल करने के बावजूद विराट यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं करता है और जो विधवा की एंट्री होती है और उनकी क्लोजनेस देखकर सई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद में सई तलाक का फैसला कर लेती है। जी दोस्तों, जहाँ पर ट्रैक रोमांटिक की शुरुआत हुई थी, अब भाई ट्रैक फिर से उसी जगह आकर खड़ा हो चुका है। सई इस बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी विराट की बेरुखी को और वो उसे तलाक के पेपर्स लाकर थमा देगी। इससे चौहान निवास में आ जाएगा तूफान और कहीं ना कहीं पत्रलेखा को बहुत खुशी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर सई का फैसला तो बहुत ही ज्यादा झटका विराट को देने वाला है, जिसके बाद ही विराट कुछ क्लियर करेगा कि सई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो क्यों आखिर इस विधवा के चक्कर में फंसा है, ये सब कुछ वो उसी के बाद क्लियर करने वाला है। तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा शो में देखने को मिलेगा। We'll be right back.